दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जो गर्मियों का सबसे खूबसूरत पौधा होता है। खास बात ये होती है कि बहुत ही कम रेट में आपको नर्सरी में मिल जाता है। तो अगर आप मई जून में जाएं तो इस पौधे को ज़रूर लेकर आएं। बहुत ही कम दाम में आपको मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब कि भरी धूप में, भरी गर्मी में भी ये इतना अच्छा लगता है देखने में। तो आज मैं आपको बता देती हूँ, इस प्लांट का नाम है कोचिया ग्रास और इसे आप इस समय मई जून में नर्सरी में देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है और बहुत ही कम दामों में ये मिल रहा है। तो दो पौधे केवल 20 रुपये में मैं लेकर आई हूँ। तो आज मैं बताऊँगी इसकी केयर के बारे में और इसको शिफ्ट कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगी। बहुत ही सावधानी के साथ इनके दोनों पॉलीबैग मैंने निकाल लिए हैं। और एक और ख़ास बात होती है कि इसके लिए ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी साइज़ के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। बॉल साइज इसका ओवल शेप होता है, बिल्कुल बॉल के जैसा हो जाता है और ओवल शेप में भी हो जाता है। तो दोनों ही शेप बहुत अच्छे लगते हैं इसके। इसको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप अपना शेप ले लेता है और ओवल शेप में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये पौधे अगर आप लाइन से एक जैसे पौधे लगाते हैं। और एक बार अगर आप ये पौधा लगा लेते हैं तो हर बार इसमें सीड बनने लगते हैं। तो अगले सीजन में आप इनके पौधे के बीज कलेक्ट करके फिर से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही छोटे पॉट में मटका रखा था मेरा एक, उसमें मैंने इसको शिफ्ट किया है। और सॉइल मिक्सचर की बात कर लूँ तो गर्मियों में इसका सॉइल मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें गोबर खाद और इसमें कोकोपीट जरूर आप मिलाइएगा। जितनी सॉफ्ट मिट्टी बनेगी उतना अच्छे से ये ग्रो करता है। बहुत ही लेस केयर में चलने वाला ये पौधा होता है। कोई खाद पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती है। आप 2 दिन छोड़कर भी अगर इसको पानी देंगे तो वैसे ही हरा भरा सा बना रहता है। आंखों को बहुत ठंडक मिलती है इस पौधे को देखकर। तो ये दोनों पौधे मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। हल्की सी वाटरिंग करने के बाद इसे आप 4-5 दिन शेड में रखिए, उसके बाद ही आप फुल सनलाइट में से रख सकते हैं। और 1 दिन छोड़ के इसको पानी ज़रूर दीजिएगा। पानी ऐसे दीजिए जैसे कि आप पौधों को नहलाते हैं, उस तरह से आप पानी देंगे तो इसकी ग्रीनरी जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और ये पौधा बहुत ही अच्छा रूप ले लेता है। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी बारिश हो तो इसके बारिश का पानी ज़रूर दीजिए। बारिश का पानी इसके लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करता है, इसकी ग्रोथ को दोगुना कर देता है। तो आप इसे चाहें तो बस एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना पील का दे सकते हैं। वैसे इसे किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश का पानी ही इसके फर्टिलाइज़र का रूप में काम करता है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और पानी बस आप नहलाते हुए इसको दीजिए तो बस उतना ही काफ़ी रहता है इस पौधे के लिए। और ये देखिए, मेरे पॉट में जो पौधा लगा हुआ है ये ओवल शेप धीरे धीरे लेने लगा है। कुछ दिन के बाद ये बॉल शेप में आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगर आप अपने घर की शोभा बढ़ाना चाहते हैं तो एक साइड में बहुत सारे पौधे इसके लगाइए। तो लाइन से लगे हुए एक जैसे ही पौधे देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप गर्मियों में कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जो आपके आंखों को ठंडक दे, आपके घर की शोभा बढ़ाए और सस्ते दामों में मिल जाए और हरा भरा रहे, तो मेरे हिसाब से पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो आपके घर की रौनक बढ़ा सकता है। और ग्रीनरी हमारे आंखों को कितनी ठंडक देती है ये तो सभी को पता है। तो ये पौधा सबसे बेस्ट है। तो ये पौधा नर्सरी जाइए तो ज़रूर लेकर आइए। और कम रेट में आपको बहुत सारे पौधे भी आप एक साथ लगा सकते हैं और ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी साइज़ के पॉट में बहुत ही ईजिली चल जाता है। तो इस टाइप का अगर कोई आप पौधा ढूंढ रहे हैं तो इसे ज़रूर लेकर आइए। और वीडियो अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।